हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू, मैं पहले कर चुकी हूँ, इससे पहले मैंने दो वीडियो शूट करे हैं और अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर यूट्यूब वीडियो के शूट, मतलब शूट के बाद में मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि मतलब मैं अपना मेकअप जो है, जो भी थोड़ा बहुत सा मैं मेकअप करती हूँ वीडियोज़ के लिए, उसको मैं कैसे रिमूव करती हूँ। तो मैं रिमूव करती हूँ अपना मेकअप इस ट्यूलिप रिफ्रेशिंग वेट वाइप से। तो इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, आप इसको नॉर्मली भी परचेज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्या है, कॉजन्स इसके पहले देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहले यही दिखाया यहाँ पे। डिस्पोज इन अ बिन, आपको इसको डस्टबिन में फेंकना है, डायरेक्ट आपको सनलाइट में नहीं रखना है, इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। लेकिन इससे पहले ये फ्रिज में ही रखा हुआ था। और अच्छी तरह से इसको यहाँ पे सील कर देना है। ये जो था ये 60 रुपीज़ का मुझे ये मिला था लोकल मार्केट में, मैंने परचेज़ किया था। लेकिन ऑनलाइन लोगे आप तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र में मिल ही जाएगा डिस्काउंट। और 20 वाइप्स होते हैं इसमें, और ये यहाँ पे कुछ इस तरह का ये होता है जिससे कि आपके जो वाइप्स हैं वो सिक्योर रहें, मतलब एक निकालने के बाद में जो दूसरा है उसकी जो वेटनेस है वो बनी रहे। तो इस तरह के कुछ 20 वाइप्स होते हैं इसमें, और मैंने बस ऐसे ही सोचा कि चलो इसका भी मैं वीडियो दिखा देती हूँ कि अब मैं कैसे रिमूव करती हूँ अपना मेकअप। तो इससे पहले मैंने क्या किया था, लिप स्वेचेस था मेरा इस, मतलब मैंने बनाया था वीडियो लिप स्वेचेस का। आपने वीडियो चैनल पे चला जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उसको भी मैंने इसी से किया था, तो आप देख सकते हो ये कितना मतलब अच्छी तरह से वर्क करता है। तो एक जो वाइप है इसका कुछ इतना बड़ा रहता है, फेस के साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह का रहता है, मतलब आपके फेस पे जैसा आ जाए उस तरह का रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने बालों को पीछे कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने बालों को पीछे कर लिया है, क्योंकि फेस को क्लीन करना है और अपना मेकअप मुझे रिमूव करना है। ईयरिंग्स भी मैं उतार ही देती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मैं ज़्यादा पहनती नहीं ईयरिंग्स, घर में ही पहनती हूँ, मतलब सॉरी घर में नहीं, वीडियोज़ के लिए ही पहना था मैंने। और उसके बाद मैंने इसको शुरू कर दिया है। तो आप देखोगे कैसे कि एक वाइप से मैं अपना पूरा मेकअप क्लीन कर लूँगी, यानी कि एक वाइप से पूरा मेकअप बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है। तो मैंने आंखों पे इसको वाइप को रखा और हल्का सा मतलब प्रेस करते हुए उसको मसाज कह सकते हैं उस तरह से निकाला, तो बहुत ही अच्छे से आईज का मेकअप निकल गया। और फेस की क्रीम, बीबी क्रीम मैंने यहाँ अप्लाई करी थी, तो आप देख सकते हो बीबी क्रीम कितने अच्छे से निकल गई। और यहाँ पे मैंने काजल, मस्कारा और क्या लगाया था, लाइनर, सारी चीज़ें लगाई हुई थी जो कि इस वाइप से अच्छी तरह से निकल रही हैं। लिपस्टिक भी बहुत अच्छे से निकाल देता है ये, यहाँ मैंने लिप क्रियॉन्स लगाए थे तो उसे भी इसने निकाल दिया अच्छे से। तो एक वाइप से पूरा मेकअप रिमूव हो जाएगा, फेस पूरा क्लीन हो गया है, बस आंखों पे थोड़ा सा है। तो अभी मैं उसको थोड़ा मसाज कर करके फिर से निकाल दूँगी, इसी वाइप से निकालूँगी, आप देख लेना। और ये जैसा कि आप देख सकते हो इसी तरह से आपको निकालना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ोगे या बहुत ज़्यादा उसको ड्रैग करोगे ना, तो इससे आपकी स्किन पे थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। इसलिए बहुत आराम से और बहुत ही लाइट हैंड के साथ में अगर आप इसको निकालते हो ना, बहुत आराम से आपका मेकअप निकल जाएगा, और ज़्यादा खींचतानी करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके साथ में। और आप देख सकते हो कि पूरा मेकअप जो है वो इसी वाइप्स के साथ में, इस एक वाइप के साथ में मेरा पूरा मेकअप रिमूव हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये वाले वाइप्स भी बहुत अच्छे हैं, अगर आपने यूज़ नहीं किया ना तो आपको, आप इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।